Welcome to Vietnam! Oh my god. We have to throw you in the river. That is fierce. Good job. Yes. Hello. Arjuna. तो ग्रैब हमने यहाँ पे ऑर्डर कर दी है और मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 मिनट दूर है ग्रैब। जैसी ग्रैब आएगी उसमें हम सवार होंगे और हम लोग जाएंगे District 1। तो District 1 में जो है वो ऑफिस है जिस कंपनी के साथ हम ये टूर ले रहे हैं, चूची टनल्स का, और उसके साथ साथ मीकोंग डेल्टा का। उस कंपनी का नाम है वियतनाम एडवेंचर टूर्स। फिर वहाँ से जो है उनकी पिकअप सर्विस जो है वो हमें लेके जाएगी। मेरे ख्याल से पहले हम लोग जाएंगे चूची टनल्स और उसके बाद हम लोग जाएंगे मीकोंग डेल्टा। तो वहाँ पहुँच के पता चलेगा आगे का प्लान, लेकिन बस जल्दी से ग्रैब आ जाए। अच्छा, अभी यहाँ पे सुबह सुबह उठे हैं, आज संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, और यहाँ पे सब लोग जो है वो बैठ के नाश्ते कर रहे हैं फैमिली के साथ। यहाँ हमारी बिल्डिंग के सामने जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो भी बैठ के नाश्ता कर रहे हैं उधर पीछे, और अच्छा लग रहा है। और वो जो जैसे हम लोग पाकिस्तान में अमूमन देखते हैं कि छुट्टी वाले दिन हफ्ते और इतवार को जो है लोग उठ के निहारी खा रहे होते हैं, दोस्तों के साथ जा रहे होते हैं, पाए वाए खा रहे होते हैं, मुर्ग छोले चल रहे होते हैं, वहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्जॉय कर रहे होते हैं, बिल्कुल वैसी एक लाइवली सा एटमोसफेयर बना हुआ है, देख के अच्छा लग रहा है। और अच्छी बात यह है कि मौसम अच्छा है, थोड़ा सा ओवरकास्ट है, तो इतनी ज़्यादा धूप या गर्मी नहीं है। उम्मीद यही है कि पूरा दिन ऐसी गुजरे, ज़्यादा तेज़ बारिश ना हो या ज़्यादा तेज़ धूप ना हो, ताकि हम लोग आराम से ये पूरा जो अपना ये टूर है बड़ा हिस्टोरिक टूर है, और मेरे ख्याल से जो शख्स वियतनाम आता है वो ये टूर जो है लाजमी लेता है। अगर टूर नहीं लेता तो ख़ुद करता है, लेकिन ख़ुद हम इसलिए नहीं कर रहे कि एक तो दोनों जगहें जो हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर हैं, और साइगोन जो मेन होचीमिन सिटी है यहाँ से काफ़ी डिस्टेंस पे है। अगर हम ख़ुद करते तो उसमें बहुत टाइम हमारा ज़ाया हो जाता, और एक दिन में अमूमन लोग जो हैं वो एक चीज़ करते हैं, या तो चूची टनल्स जाते हैं या फिर मीकोंग डेल्टा कवर करते हैं। हम एक दिन में दोनों चीज़ें जो हैं वो कवर करेंगे, तो थोड़ा सा हेक्टिक होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि हम लोग इन्जॉय करें और जो यहाँ की रिच हिस्ट्री है, जो खूबसूरत सा लैंडस्केप है, वो सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करें इस वीडियो में। तो ग्रैब आ गई है, जल्दी से ग्रैब पे बैठते हैं क्योंकि थोड़ी सी लेट हो गई थी मेरे ख्याल से, भाई गलत रास्ते पे चले गए थे। You need the confirmation number or booking reference number. अच्छा, तो हम लोग वियतनाम एडवेंचर टूर के ऑफिस पहुंच चुके हैं और यहाँ पे अफरा तफरी मची हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा किसी को क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आज संडे का दिन है तो रश बहुत है, बहुत ज़्यादा बैकपैकर्स हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट हैं, ट्रैवलर्स हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं और मुख्तलिफ टूर्स लेने के लिए जा रहे हैं। हमें अपना टूर ग्रुप मिल गया है, हम गाड़ी में वापस बैठने वाले हैं। तो मैं जल्दी से इस टूर की प्राइस बता देती हूँ। सो इट कॉस्ट अस $47 पर पर्सन, और इनाया की आई थिंक $43 थी, तो $140 में हम तीनों की टिकट आ गई थी। सो अभी हम बस निकले हैं, इट्स गोना बी अ 2 आवर जर्नी चूची टनल्स तक, सो वी गोना एंजॉय द जर्नी। बाहर बहुत रौनक है, अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो तकरीबन 1 घंटे की वैन राइड के बाद जो है हम लोग पहुंच चुके हैं कोची टनल्स, और अब हम लोग जा रहे हैं मेन एंट्रेंस की तरफ। भाई ने टिकट्स ले ली हैं जो हमारा टूर गाइड है। जिस जगह से हम लोग गुजरते हुए जा रहे हैं ये भी एक बड़ी सी टनल ही बनाई हुई अंडरग्राउंड, और यहाँ पे एंट्री पॉइंट था, यहाँ पे जो है वो चेक करते हैं टिकट्स। तो टिकट प्राइस जो है पर पर्सन 125,000 वियतनामीज़ डोंग है, जो कि तकरीबन $5 बनते हैं। कोची टनल्स की जो तारीख है, जो हिस्ट्री है, वो बहुत रिच और खौफनाक है। रिच मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक तरह से अक्कासी करता है कि एक ही मुल्क की फौज किस तरह से तकसीम हुई, दो हिस्सों में बटी और आपस में एक दूसरे से लड़ी। तो इस जंग की शुरुआत नॉर्थ वियतनामी सोल्जर्स की साउथ वियतनामी सोल्जर की लड़ाई से हुई, और उसके बाद अमेरिका ने भी इसमें शमूलियत अख्तियार की।
तो पहले ये जान लेते हैं कि नॉर्थ वियतनामीज सोल्जर्स कौन थे। तो नॉर्थ वियतनामीज सोल्जर्स जो कि गुरेला फाइटर्स या फिर वियट कॉन्ग के नाम से जाने जाते हैं, उनका एजेंडा ये था कि इस पूरे खित्ते में और रीजन में कम्युनिज्म को बढ़ावा दिया जाए और फैलाया जाए और तूल दी जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उन्हीं के मुल्क के लोग उनके इस एजेंडे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, और वो थे साउथ वियतनामीज सोल्जर्स। क्योंकि साउथ वियतनामीज सोल्जर्स का मानना ये था कि कोई भी कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वो तरक्की नहीं कर सकती, और उनका एजेंडा ये था कि इस पूरे खित्ते को लिबरल सोसाइटी बनाया जाए ताकि लोगों को आज़ादी हो, जिसको जो काम करना हो वो आराम से करे, खुली छूट हो, किसी को कोई पकड़ धकड़ का डर ना हो। तो ये वो दो एजेंडा थे जिसकी वजह से नॉर्थ वियतनामीज सोल्जर्स की साउथ वियतनामीज सोल्जर्स से लड़ाई शुरू हुई। और फिर इस अंदरूनी जंग में अमेरिका ने साथ दिया साउथ वियतनामीज सोल्जर्स का, क्योंकि अमेरिकन्स ये नहीं चाहते थे कि इस पूरे खित्ते में कम्युनिज्म जो है वो परवान चढ़े या वो बढ़े या वो स्प्रेड हो। तो इसलिए उन्होंने साउथ वियतनामीज सोल्जर्स के साथ मिलकर नॉर्थ वियतनामी सोल्जर्स का या वियट कॉन्ग्स का मुकाबला किया। और कहा यह जाता है कि कमोबेश 500,000 अमेरिकन कॉम्बैट ट्रूप्स ने इस जंग में हिस्सा लिया। और खौफनाक इसलिए क्योंकि इसमें लाखों से ज्यादा सोल्जर्स सिविलियंस लुकमाए अजल बने। जहां तक हतमी फैसले की बात है कि आखिरकार ये जंग जीता कौन, तो ये तायुन करना जो है बहुत मुश्किल है, क्योंकि नुकसान दोनों पार्टीज का हुआ। इसमें वियतनामीज लोग भी मारे गए, वियतनामीज सोल्जर्स भी मरे, और उसके साथ साथ अमेरिका को भी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। उस दौर में भी अमेरिका के पास जदीद असलाहा था, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी थी, लेकिन कहा यह जाता है कि जब वो वियतनाम पहुंचे तो वो वहां के लैंडस्केप से अच्छी तरह से वाकिफ नहीं थे, जिसका उनको काफी बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। जबकि वियट कॉन्ग्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो वियतनाम के लैंडस्केप से अच्छी तरह वाकिफ थे, और उन्होंने वहां के घने जंगलात को एक तरह से अपने लिए ढाल बनाया और उनसे कई ज्यादा स्किलफुल अमेरिकन कॉम्बैट सोल्जर्स को शिकस्त दी। इसीलिए कूची टनल्स को भी तारीख का एक बहुत अहम हिस्सा समझा जाता है, और कहा यह जाता है कि यही वो जगह है जहां पे वियट कॉन्ग्स ने अमेरिकन और साउथ वियतनामी सोल्जर्स को बुरी तरह से शिकस्त दी। क्योंकि वियट कॉन्ग सोल्जर्स ने बड़ी महारत से इन पूरे जंगलात में एक खौफनाक किस्म का टनल्स का जाल बिछाया, और जो गुरेला फाइटर्स थे उनका मानना ये था कि भले हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी नहीं है और हमारे पास इतने कॉम्बैट सोल्जर्स भी नहीं है, लेकिन हम इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और यहाँ पे ऐसी खुफिया टनल्स बना के हम दुश्मन का अच्छी तरह से मुकाबला कर सकते हैं। और शायद यही वजह है कि जब अमेरिकन सोल्जर्स ने पहली दफा ये टनल्स देखी थी तो उन्होंने इन टनल्स को ब्लैक एको का नाम दिया था। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अमेरिकन ने इन टनल्स को ब्लैक एको का नाम क्यों दिया, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि जितना घुप अंधेरा इन टनल्स के अंदर होता है, गोया ऐसा लगता है जैसे आप किसी कब्र में हो। सो हमारे पीछे हैं लाइक आर्मी कैंप्स, और इनको ऐसे बनाया हुआ है जैसे कैमोफ्लेज हो, और इसके अंदर प्लानिंग होती थी। अभी हम अंदर जाके मैप्स देखेंगे इनके। Wow, and no, look, where Papa is. Oh no! Where's he? There he is. मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह की कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की, और वाकई में मतलब ये वंस इन अ लाइफ टाइम चीज़ है। इतनी छोटी इतनी तंग सुरंग के अंदर मैं कभी आज से पहले ना मैंने तसव्वुर किया था कि कभी जाऊँगा। और मुझे हैरत हो रही है कि उस दौर में जब वियतनाम अमेरिकन वॉर हो रही थी, उस दौर में लोग कैसे जाते होंगे और कैसे इसके अंदर इतना टाइम गुजारते होंगे। सलाम है उन सारे सोल्जर्स को, उन सारे फौजियों को जो इसके अंदर रहते थे। बड़ी बात है, हमारे जो टूर गाइड हैं उन्होंने हमें ये भी बताया कि ये जो है ये सैंपल है, और जो ओरिजिनल हैं, जो असली टनल्स हैं जिसमें लोग रहा करते थे, वो इससे भी तंग और इससे भी छोटी और नैरो होती थी। अनरियल है। तो हमारे पीछे ओरिजिनल टनल की एंट्रेंस है, एंड इट इज़ लाइक एब्सोल्युटली टाइनी। तो उस वक्त जो सोल्जर्स थे वो लेट के टनल के अंदर घुसते थे, एंड देन दे वुड बेसिकली गो अंडरग्राउंड। तकरीबन 3 लेवल्स डाउन तक इनकी काइंड ऑफ जगहें बनी होती थी, वेयर दे वुड स्पेंड डेज एंड डेज, दे वुड लिव देयर, और दे हैड अ किचन डाउन देयर, दे इवन हैड लाइक अ स्कूल डाउन देयर, और बैम्बू शूट्स की मदद से उनको ऑक्सीजन मिलता था। फिर भी दे कुडंट स्पेंड टू लॉन्ग देयर, तो हर 2 घंटे बाद दे वुड हैव टू कम आउट
and get some oxygen unless they were like superior soldiers. Acha ye tunnels dekhne ke baad ek baat jo hai wo to yakeeni hai wo ye ki ye faint hearted ke liye nahi hai jagah. Agar tang jagahon se ya is tarah ki jo narrow spaces hoti hain usse dar lagta hai ya claustrophobic hai to uske liye jagah bilkul bhi nahi hai. Enjoy. He's a real one. Okay. Yeah. So that's a special honor. He likes to accept challenges. Yeah. Mm. My company Vietnam Adventure Tour. You put your feet first. You know, whatever you want. I have the two house for you. An air condition inside. Yeah. You can choose the way, whatever you want. Later we have a restroom. You can clean it. I'll come to the river, take a shower. And no beers, Papa. Super muddy. Yeah. I just saw a butterfly in there. Yeah. It's so pretty. Okay, Buzz, that's enough. Yeah. So we had to rescue anyone? Oh, we're gonna leave him. No! Just kidding. Papa! Is that enough? Yeah. That's enough. Uh-oh. Oh my god. We have to throw you in the river. That is sweet. Good job. Yes. Good camouflage. Yeah, I like it. अच्छा तो यहाँ पे एक सुरंग जो थी वो अभी भी मौजूद है और ये उस दौर से मौजूद है जब यहाँ पे वियतनाम अमेरिकन वर्ल्ड हो रही थी और एक ही टनल है यहाँ पे तकरीबन 200 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेच है टनल्स का नेटवर्क है और उसमें से सिर्फ एक टनल है जो रियल टनल है जो उस दौर में सोल्जर्स जो हैं नॉर्थ वियतनामी सोल्जर्स जो हैं और साउथ वियतनामी सोल्जर्स जो हैं वो यूज़ करते थे और कोई नहीं गया यहाँ पर जितने लोग हैं उनमें से कोई नहीं गया लेकिन हम जाहिर आए इतना दूर और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप ज़िंदगी में एक ही दफ़ा एक्सपीरियंस करते हो तो इसलिए मैंने ये ख़तरा मोला और मैं अंदर गया हूँ पूरा बिल्कुल डार्क बिल्कुल पिच ब्लैक जैसे होता है बिल्कुल वैसा अंधेरा घुप था ऐसा लग रहा था कि खुदा ना खास्ता जैसे कोई कबर हो और वो वाकई में कबर ही है ट्रेंच है सुरंग है तो उसमें एसी और ये सारी चीज़ें तो नहीं लगी होंगी तो खैर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था कपड़े थोड़े से ख़राब हो गए काफ़ी ख़राब हो गए लेकिन कोई बात नहीं इस तरह की चीज़ें जो हैं बार बार नहीं करते आप ज़िंदगी में So Tali Jutahi was very brave. वो टनल में गया एंड इट वॉज वेरी स्लिपरी बिकॉज अभी रेनी सीजन है और इसीलिए वो होल काफ़ी बड़ा बनाते थे बिकॉज अगर रेनी सीजन हो सो इट डजंट यू डोंट गेट ट्रैप्ड इन देयर बट बिकॉज Tali इतना ब्रेव है और वो सारे खतरे और सारे चैलेंजेस फेस करते हैं डू नॉट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो एंड कॉमेंट बिलो और सब्सक्राइब ज़रूरी है बाई द वे दिस इज़ अ रियल लाइफ टैंक विच वॉज डिस्ट्रॉयड बाई द Army back in the days. Yeah. He's getting on the tank. Now he's gonna shoot something. No, it's not real. It's real, but it doesn't work anymore. He's coming down to shoot something. Papa can sit down. तो हमारे पीछे हैं अलग अलग ट्रैप्स जो उस टाइम की आर्मी में यूज़ होते थे जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स हियर और अलग अलग किस्म के हैं और ऐसे ट्रैप्स हैं जो आप मतलब मूवीज़ में देखते हैं ना कि कोई मूवी ट्रैप में फंस जाता है और कुछ ना कुछ हो जाता है ये उससे भी वर्स है एक हमने देखा था लाइक पूरा इतना लंबा कील था और अगर खुदा ना खासा कोई इसमें फंस जाए वो पूरा कील उनके पाँव में चला जाता है अच्छा इन मूवी ट्रैप्स के अलावा यहाँ जो फॉरेस्ट था कुची फॉरेस्ट जो पत्ते थे जो पौधे थे जो ट्रीज थे जो यहाँ ग्रो करते थे वो जो उनके लीव्स होते थे अब तो उन्होंने सारे कटवा दिए फॉर सेफ्टी लेकिन अगर वो पत्ते को कोई क्रश करके किसी पे शूट करता था फ्रॉम बैम्बू तो विद इन 30 मिनट्स उनका हार्ट अटैक हो जाता था सो वो एक्सट्रीमली पॉइजनस एक्सट्रीमली डेडली पत्ता था जो कि वो यूज़ करते थे टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स अदर देन द बूबी ट्रैप्स तो इस वक्त हम लोग रियल लाइफ बंकर के अंदर जा रहे हैं तो ये बहुत ही तंग और बहुत ही नैरो है सो अभी हम बंकर के फर्स्ट लेवल में हैं एंड वी हैव टू स्टिल गो लाइक वन मोर लेवल डाउन मुझे लग रहा था यही है और अभी से पसीने आ रहे हैं आई डोंट नो कि उस वक्त के आर्मी ऑफिसर्स कैसे करते थे ये हैट्स ऑफ टू देम हेलो
अर्जुन आया। थैंक यू। थैंक यू। सो वाकई में ये जो एक्सपीरियंस है इट्स नॉट फॉर द फेंट हार्टेड और द क्लस्ट्रोफोबिक, बिकॉज अभी हम रियल लाइफ बंकर में थे। विद इन 5 seconds हमें अंदर गर्मी लग रही थी, पसीने आ रहे थे, एंड आई जस्ट फेल सो अनकम्फर्टेबल, लाइक यू नो यू जस्ट वॉन्ट गेट आउट। पर आई कैन नॉट बिलीव कि हिस्ट्री इतनी रिच है इस जगह की और इतना कुछ हुआ है यहाँ पे। हमने सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं, एक्सप्लोर कर ली है, पूरा जो ये सराउंडिंग एरिया है उसको अच्छी तरह से देख लिया है। जाहिर है पूरा तो नहीं कर सकते क्योंकि तकरीबन 200 किलोमीटर्स लंबे स्ट्रेच के ऊपर ये टनल्स जो हैं, ये नेटवर्क जो है टनल्स का ये फैला हुआ है, तो वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो मेन मेन जगहें थी वो देख चुके हैं, सिर्फ एक चीज़ रह गई थी खाना। वो खाना जो है वो भी ट्राई कर लेते हैं कि सोल्जर जो हैं उस दौर में क्या खाया करते थे। तो ये जो है बेसिकली जैसे हम शक्करकंदी खाते हैं काफ़ी उससे सिमिलर मिलता जुलता है, और ये बेसिकली रूट है, थोड़ी सी वो है कड़वी लेकिन है मज़े की। अच्छा अभी हमारी गाइड ने हमें ये बताया कि इसी की वो जो टेपियोका बॉल्स हैं जो बबल टी या इस तरह की चीज़ों में डलती हैं वो इसी की बनती हैं। अच्छा उसके साथ यहाँ पे जो है वो झोपड़ियाँ बनी हुई हैं छोटी छोटी, तो बेसिकली उस दौर में जब जंग के दौरान यहाँ पे सोल्जर्स जो है थक जाते थे या उनको खाना खाना होता था, तो जो सोल्जर्स ऑफ ड्यूटी होते थे जिनकी शिफ्ट नहीं होती थी, जो टनल्स में नहीं होते थे, वो इन झोपड़ियों में छुप के जो है वो खाना पकाया करते थे। और खाना तो ज़ाहिर है नीचे पकता था, तो धुआं जो है कहीं ना कहीं तो उन्हें निकालना था, क्रॉस वेंटिलेशन का कोई निज़ाम उन्हें रखना था ताकि धुआं जो है अंदर ना, उनका दम ना घुटे। तो मेरे पीछे जो ये आप इस वक्त देख रहे हैं कि ज़मीन से जो धुआं निकल रहा है, ज़मीन से नहीं निकल रहा, ये बेसिकली एक उन्होंने खड्डा नुमा जो है वो खोदा हुआ है, लेकिन खड्डा है नहीं उसको, बिल्कुल मिट्टी से जो है, मिट्टी की लेप से जो है उन्होंने कवर किया हुआ है। और यहाँ पे बीच में जो है वो बैम्बू शूट से जो है उन्होंने सुराख बनाए हुए हैं, तो वो होल्स जो है उन्होंने वो पोक किए हुए हैं इस खड्डे के अंदर ताकि वहाँ से जो है धुआं निकल जाए, क्योंकि जाहिर है वो कोई बड़ी जगह या बड़ी खिड़की या विंडो नहीं बना सकते थे क्योंकि वो ऑब्वियस हो जाता दुश्मन के लिए देखना उनको और पहचानना कि वो लोग कहाँ छुपे हुए हैं और ढूंढना उनको। सुकोची टनल्स का टूर ख़त्म हो चुका है और अब हम करेंगे एक ट्रेडिशनल वियतनामीज स्टाइल का लंच। दिस इज़ इंक्लूडेड इन आवर टूर। इधर हमारा वेलकम हुआ है एक वेलकम ड्रिंक के साथ, दिस इज़ एक्चुअली टी है, जैस्मिन टी है, और बिकॉज हम मतलब ऑब्वियसली मुसलमान हैं तो हमारे लिए इन्होंने वेजिटेरियन ऑप्शन किया हुआ है। सो वी हैव गॉट वेजिटेरियन स्प्रिंग रोल्स, वी हैव गॉट टोफू का स्टू, टोफू का सूप, और साथ स्टर फ्राइड वेजीज। सो बड़े मज़े का लग रहा है, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा ब्लॉग का इज गोना बी इवन मोर एक्साइटिंग बिकॉज हम जाएंगे मीकॉन्ग डेल्टा। तो कोची टनल से होते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं मेकोंग रिवर, और यहाँ पे मेकोंग डेल्टा बेसिकली रिवर है, और यहाँ पे सबसे पहले हमें ये करना है कि हमें बोट के ऊपर सवार होना है। और ये जो मेरे ऊपर आप लोग ये रेनकोट देख रहे हैं ये इसलिए पहना है क्योंकि यहाँ पे शदीद किस्म की बारिश शुरू हो गई है, बहुत तेज़ बारिश थी, अभी रास्ते में भी मूसलाधार बारिश हो रही थी। उम्मीद यही है कि हमें ये जो पूरा बोट टूर है ये हम कर सकें बारिश में, मुझे नहीं पता कि ये बारिश में ऑपरेट करते हैं या नहीं करते, लेकिन अभी चलते हैं आगे देखते हैं कि कश्तियाँ चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, और फिर बेसिकली हमें ये पूरा यहाँ का लोकल्स का जो है लाइफ स्टाइल दिखाएंगे किस तरह से यहाँ के लोकल्स जो हैं वो रहते हैं। सुनने में यही आया कि यहाँ पे जो है एथनिक वियतनामीज़ लोग जो हैं वो रहते हैं, उसके अलावा यहाँ पे कुछ आबादी जो है वो चाइनीज़ की भी है जो काफ़ी पहले उनके डिसेंडेंट्स यहाँ पे आके बसे थे वो यहाँ पे रहते हैं, उसके अलावा कैम्बोडियंस बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, और कुछ मुसलमान भी हैं। तो अभी ये सारी चीज़ें देखते हैं, चलते हैं थोड़ा आगे। पहुंच गए हैं एंड इट वाज प्रोबब्ली अबाउट अ 10-15 मिनट जर्नी। जो हमारे पुराने फॉलोअर्स हैं उनको पता होगा कि हमने थाईलैंड टू लाओ एक जर्नी की थी, 2 दिन की स्लो बोट जर्नी, और वो भी मीकोंग रिवर पे ही थी, बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी वो भी। तो अभी हम उसी रिवर पे हैं इन अ डिफरेंट कंट्री। ओ ये क्या है?
One help. Okay. This one you can choose some banana with honey. क्या खा लिया? तो हमारे टूर गाइड ने यहाँ पे हमें खट्टा मीठा, मीठा तो कम है खैर, खट्टा ज़्यादा है, और ये दिया है, इसका नाम जो है वो कम क्वाट है, बहुत मज़े का है, लेकिन उन लोगों के लिए ज़्यादा मज़े का होगा मेरे ख्याल से जो थोड़ा सा खट्टी मीठी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। मेरे लिए थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा है, छिलके समेत खाया है। वो कह रहे हैं कि आप दोनों तरीके से खा सकते हैं, आप पील ऑफ करके भी खा सकते हैं या स्किन के साथ अगर खाना चाहें तो वैसे भी खा सकते हैं। बनाना चिप्स हैं, क्रिस्पी क्रंची, बिल्कुल खस्ता, बिल्कुल फ्रेश, स्टेल नहीं है। काफ़ी जगहों पे हमने देखा था कि काफ़ी स्टेल होते हैं, बासी होते हैं, पहले के रखे हुए होते हैं, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी उन्होंने आज ही बनाए हैं, और इसके ऊपर जो है वो शुगर कोट की हुई है, तो इसलिए बनाना की तो मिठास है ही है लेकिन ऊपर जो है वो चीनी लगाई हुई है तो उसकी अलग मिठास है, बहुत मज़े का है। यहाँ पे हमने खालिस शहद, बिल्कुल मतलब इससे खालिस नहीं हो सकता शहद, और उसके साथ रॉयल जेली ट्राई किया। This one if you take it after 30 minutes you can wash water. यहाँ पहले आइलैंड पे रॉयल जेली और हनी बहुत प्योर है, यहीं पे बनता है इनफैक्ट। और रॉयल जेली की मैं एक बात बता दूँ, ये एक्चुअली एक बीज का बाय प्रोडक्ट होता है, जो क्वीन बी होती है ये उससे निकलता है, और इसके बहुत फ़ायदे हैं। एक तो खाने का अपना फ़ायदा है कि इसमें बहुत विटामिंस, बहुत चीज़ें होती हैं, उसके अलावा यहाँ की औरतें ये अपनी पूरी फेस पे यूज़ करती हैं एज अ फेस मास्क। 30 मिनट के बाद इसको ये लोग वॉश कर लेते हैं और ये रिंकल्स रिमूव करता है, उसके साथ साथ बहुत ही सॉफ्ट हाइड्रेटेड स्किन देता है ये आपको। सो That's amazing. यहाँ पे 250 तकरीबन $10 का ये एक जार है। उसके अलावा ये लोग उसी शहद को हमारी टी में डाल रहे हैं तो उसका बहुत फ़ायदा है, इट्स रियली नाइस। सो आज हम मीकोंग डेल्टा का टूर इसलिए ले रहे हैं बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली द स्पॉट जो मीकोंग डेल्टा, जो मीकोंग रिवर है, इतने सारे मुल्क को ये टच करता हुआ जो आ रहा होता है, ये वो जगह है जहाँ पे ये सी से जाके मिलता है। सो एक यहाँ जो है रिवर, इट गोज़ एंड एक्सटेंड्स टू 9 डिफरेंट रिवर्स, और ये अलग अलग विलेजेस हैं अलोंग दीज रिवर्स, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग प्लांटेशन हैं, इनफैक्ट यूनिकॉर्न आइलैंड। एक जगह से होते हुए दूसरी जगह पहुँच गए, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा अपनी आँखों पर, और जो हम लोग अभी इस वक्त देख रहे हैं छोटे से यहाँ पे जो जजीरे बने हुए उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, और तकरीबन ये 2 घंटे दूर है साउथ ऑफ हो ची मिन्ह में, ये वाक़ है जिसको साउथ ऑफ साइगोन भी कहा जाता है। और अभी जिस आइलैंड के ऊपर हम लोग हैं इसका नाम है यूनिकॉर्न आइलैंड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोकल जो हैं, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, वो किस तरह से अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो बसर करते हैं। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे बिजनेसेस खोले हुए हैं। यहाँ का सबसे जो कीमती असासा है मेरे ख्याल से वो यहाँ की ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ के जो फ्रूट्स हैं, नारियल बहुत वाफिर मकदार में यहाँ पे हमें नज़र आए, उसके अलावा यहाँ पे बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म का हनी हमने देखा। तो अब हम अपनी आई थिंक टूर की हाईलाइट पे पहुंच चुके हैं, और हमारे पीछे है रोइंग बोट्स, और ये जो पत्ते हैं ना जो दोनों तरफ से आ रहे हैं और बीच में पानी है, ये हाईलाइट होती है काफ़ी लोगों की वियतनाम की ट्रिप की। दिस इज़ वन ऑफ द हाईलाइट्स फॉर अस एज वेल। Are there any life jacket? Life jacket? No, need it. I don't know how to swim. It's okay, I know. And you know, right? He doesn't know. Come on.
Come on, why? Pakistanis are very bad swimmers. Yes. You better save our life. Ah, okay. Otherwise, I'll take... Adhika kar kyun main. Welcome to Vietnam! वाकई में वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था. हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ आने से पहले कि ये सारी चीज़ें हमें करने को मिलेंगी, और ख़ास तौर पे जिसकी वजह से हो ची मिन्ह या वियतनाम जाना जाता है, ये है डेल्टा मेकोंग रिवर. और लोग अगर वियतनाम आते हैं तो मेरे ख्याल से ये चीज़ किए बगैर जो है बिल्कुल नहीं जाते. तो हम लोग पहुंच चुके हैं कोकोनट आइलैंड. इस पूरे टूर का जो है लास्ट स्टॉप है, और यहाँ पे भाई ने जो है वो फ्रेश कोकोनट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे सामने काटा है, यहीं पे खोला है और यहाँ पे काट के बिल्कुल फ्रेश बहुत ही मज़ेदार किस्म का कोकोनट वाटर हमें दिया है. बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का. अगर ये ठंडा होता तो क्या ही बात ही, लेकिन वैसे भी बहुत अच्छा है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन बहुत ही मज़े का है. कोकोनट आइलैंड पे आने का जो मेन मकसद था वो ये था कि यहाँ पे हम एक तो ये देखें कि लोकल्स यहाँ पे किस तरह से सारी चीज़ों को प्रिजर्व कर रहे हैं. यहाँ पे जो तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ औजार हैं, टूल्स हैं जिससे वो कोकोनट खोल रहे हैं, कोकोनट का शेल जो है, जो छाल होती है वो उतार रहे हैं, और इवन जो ऊपर की जो आउटर शेल होती है कोकोनट की उसको भी यूज़ कर रहे हैं. मुख्तलिफ चीज़ें जैसे टूथब्रशेस होते हैं, बॉटल्स होती हैं, फ्लास्क होती हैं, पानी पीने की चीज़ें होती हैं, खाना खाने के बोल्स हैं, कपड़े बनते हैं. मुझे अभी पता चला कि ये जो इसकी छाल है कोकोनट की, नारियल की, इसके जो है यहाँ पे ये बहुत अच्छा फैब्रिक बनता है. उसके अंडरगारमेंट्स, कपड़े, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं. यहाँ की जो मेन सौगात है वो है यहाँ की कोकोनट कैंडी. ये मेरे पीछे जो आप इस वक्त देख रहे हैं, नीचे भट्टी है, लकड़ी जल रही है, और ऊपर जो है वो मशीन लगी हुई है, एक तरह का ग्राइंडर है, उसमें जो है वो कोकोनट मिल्क और मुख्तलिफ फ्लेवर्स जो हैं वो डाल के ये कैंडीज तैयार की जाती हैं. उसके बाद जब वो तैयार हो जाती हैं तो उसके बाद यहाँ पर उनको ले आउट किया जाता है, और ये आप देख सकते हैं कि ये खातून जो है यहाँ पे उसको घूम रही हैं. और जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाता है, थोड़ी देर इसको छोड़ते हैं यहाँ पे कूल डाउन करने के लिए, उसके बाद फिर वहाँ पे उस जगह जो है उन्होंने बुगदा और इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं, और यहाँ पे वो मुख्तलिफ शेप्स देते हैं कोकोनट कैंडी को, और उसके बाद फिर उस तरफ जो है वो पैकेजिंग उन्होंने बनाया हुआ सेटअप पूरा वहाँ पे पैकेज किया जाता है, बैग्स में डाला जाता है, उसके बाद फिर इसको आगे मुख्तलिफ शहरों में पहुँचाया जाता है. और एक बहुत ही डेंजरस नोट पे हम आज का व्लॉग ख़त्म कर रहे हैं. तो इस जार में अल्कोहल है जिसमें एक रियल लाइफ कोबरा है. 3 साल से कोबरा इस जार में है, एंड दे रीफिल दिस विद अल्कोहल लाइक एवरी फ्यू डेज. और यहाँ के गेस्ट्स आके इसको ट्राई कर सकते हैं. हम तो अल्कोहल नहीं पीते तो हम नहीं ट्राई कर रहे, लेकिन जिन लोगों ने पी है दे वर लाइक बड़ा ही इंटेंस और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर था लाइक स्पिरिट्स. सो इसी क्रेजी नोट पे हम ये वीडियो फिनिश करेंगे. हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कॉमेंट ज़रूर करें कॉमेंट सेक्शन में, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. अल्लाह हाफिज़.